हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सर आज जो आप लोग सामने गाड़ी देख रहे हो ना, ये है अपनी हुंडई की ओरा नई वाली है, फुली अपडेटेड वर्जन। अब इसमें आप कैसे पता लगेगा, तो नीचे आप लोग देख सकते हो भाई, इसका डिजाइन नया मिलता है आप लोगों को, डीआईएस पे मिल जाते हैं, फ्लिकर वगैरह कर रहे हैं क्योंकि वो कैमरे में रियल लाइफ में फ्लिकर नहीं करते। अब ये इसका कौन सा वेरियंट है तो वो मैं एक बार आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। हुंडई ओरा में आज की डेट में चार वेरियंट्स आते हैं अपना ई, एस, एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो भाई, ये इसका सी एन जी वेरियंट है, मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ। तो ये देख लो, ये अपना सीएनजी वेरिएंट। अब सीएनजी ना चारों में नहीं आती, सीएनजी आप लोगों के आती सिर्फ एस और एस में। तो ये इसका एस वाला वेरिएंट। अब ये भाई प्रैक्टिकल क्यों है, क्यों नहीं है, किस प्राइस पॉइंट पे आता है, होंडा इसमें क्या क्या फीचर्स देती है आप लोगों को, वो सारा आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को। अब बात करते हैं इस होंडा ओरा की। तो सबसे पहले मैं अगर आप लोग इसकी चाबी दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं बस की। इसके साथ ना आप लोग कुछ इस तरह की चाबी मिलती है, एक तो अपनी नॉर्मल चाबी रहने वाली है और दूसरी अपनी कुछ इस तरह की आती है जिसमें पीछे अपना होंडा का लोगो, सामने अपनी फ्लिप की मिल जाएगी और अपना लॉक अनलॉक और होल्ड करके रखेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। सो इस तरह की चाबियां आती है। बात करते हुए इसकी फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ पे ना एकदम सेंटर में आप लोगों को होंडा का लोगो मिल जाता है और इसमें भी चेंज है पूरा, आप लोगों को यहाँ पे सेटल सिल्वर की फिनिश के साथ मिलता है। और अभी सामने से देख के ना भाई, कोई नहीं कह सकता कि ये इसका सीएनजी वेरिएंट भाई, इतनी प्रीमियम लगती है ना गाड़ी। नीचे की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो वहां पे भी आप लोगों को पूरी ग्लोसी ब्लैक में ग्रिल मिलेगी। ये वाला जो पार्ट है ये भी अपना पूरा ग्लोसी ब्लैक में ही रहेगा। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं अपने डीएल्स जो कि नए लुक में आते हैं, पहले इस तरह के नहीं थे, अब यहाँ पे आप लोग इस तरह के डीएल्स मिल जाते हैं। और साइड में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो भाई, प्रैक्टिकल है पूरा, एरोडायनामिक बनाया गया गाड़ी, जस्ट डिजाइन के लिए नहीं है। सो ये हो गया। ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आ जाती है इसकी हेडलाइट यूनिट। अंदर की तरफ ये पूरा आप लोगों को ब्लैक में मिलता है, ये अपनी हेलोजन में ही आती है, नॉर्मल हाई बीम लो बीम दोनों इसी में रहेंगे। और यहाँ पे रहते अपने इंडिकेटर्स, ये भी अपने हेलोजन में रहने वाले हैं। तो इस तरह कुछ आप लोगों को फ्रंट प्रोफाइल मिलती है। बाकी अगर डायमेंशंस की बात करूँ कि कितनी लंबी चौड़ी है ये गाड़ी, तो लंबाई आप लोगों को इसमें 13.10 फीट की मिलती है, चौड़ाई आप लोगों को इसमें 5.4 फीट की मिल जाती है, और जो हाइट रहेगी वो अपनी 4.9 यानी तकरीबन 5 फीट की ही मिलती है। ये होगी अपनी डायमेंशन साइज। बाकी इसमें आप लोगों को अगर मैं दिखाऊँ तो 165mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। ये हो गया। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं एक बार, तो साइड से यार देख रहो, सबसे पहले आप लोगों की नजर गई होगी टायरों पे। भाई आप लोगों को लगती ही नहीं है भाई, स्टील रिम है, लगता है जैसे अलॉय है लेकिन भाई ये अपने स्टील रिम है। उसके ऊपर कवरिंग मिल जाती है आप लोगों को, तो पूरा स्टाइलिश से आप लोगों को व्हील्स मिल जाते हैं इसमें। और अगर इनकी प्रोफाइल बताऊं तो MRF कंपनी का आप लोगों को टायर्स मिलते हैं, जिनकी प्रोफाइल अपनी रहेगी 175, 65, R15 के अपने यहाँ पे टायर्स मिल जाते हैं। सामने डिस्क है, पीछे अपने ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। ये हो गया। साइड से आप लोग देख सकते हो ORMs जो रहेंगे वो अपने बॉडी कलर रहेंगे ये वाले, और यहाँ पे अपने आ जाते हैं इंडिकेटर। ORMs जो रहेंगे वो अपने एडजस्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन ऑटो फोल्ड वगैरह का ऑप्शन इसमें नहीं है भाई, सेकंड बेस एंड क्या ही चाहिए इसमें। बाकी अपना B+C+ रहेगा पूरा, आप लोगों को ब्लैकआउट मिलता है, लेकिन भाई C+ में ना यहाँ पे देख रहो पूरी ग्लोसी ब्लैक की फिनिश मिल जाती है। मैं कह रहा हूँ ना भाई, कोई देख के बता नहीं सकता कि इसके CNG एंड भाई पूरा प्रीमियम बना रखा है गाड़ी को। पीछे भी अपना वही मिलता है। और यहाँ पे आती है इसकी फ्यूल फिलिंग कैप, करते हैं बस की फ्यूल फिलिंग कैपेसिटी की। तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है पेट्रोल के लिए। CNG की अगर मैं बात करूँ तो एक बार ना मैं आप लोगों को इसकी डिग्गी खोल के दिखा देता हूँ, फिर बात करते हैं CNG की। सो पहले एक बार बैक प्रोफाइल कवर कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ आप लोग यहाँ पे इस तरह का एंटीना मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आ जाता है, अपना डी फॉगर भी मिल जाता है आप लोगों को पीछे इसमें, और बूट के ऊपर ही अपना यहाँ पे स्पॉयलर आता है, इसके अंदर भी आप लोगों को ये रिफ्लेक्टर मिल जाता है। बाकी होंडा ओरा की बैजिंग मिल जाती है अपनी भाई, जो पीछे टेल लाइट का डिजाइन है ना यार वो अपना पुराना वाला है, क्योंकि यार ये सबको पसंद आ रहा है, अब भी आ रहा है। अगेन यहाँ पे ये पूरा अपना ब्लैक मिल जाता है, ग्लोसी ब्लैक। ये वाला पार्ट पूरा आप लोगों का ग्लो करेगा जब आप लोग हेडलाइट्स ऑन करेंगे, ये अपना इंडिकेटर, ये अपनी बैक लाइट, ये अपनी रिवर्स लाइट, ये वाला पार्ट जब ग्लो करेगा जब आप लोग ब्रेक पेडल प्रेस करेंगे। ये हो गया। बाकी दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पीछे की तरफ, नीचे अपनी नंबर प्लेट लाइट आ जाएगी, और यहाँ पे भी अपने रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, जो लोअर बंपर है वो आप लोग को पूरा यहाँ पे ब्लैक शेड में मिलेगा। सो अब मैं ना एक बार आप लोग इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ जिसका आप लोगों को इंतजार था। तो जस्ट आप लोगों को बटन को प्रेस करना है इसको, और ये देख रहे हो बूट जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा, पूरा नहीं खुलता, अनलॉक हो जाता क्योंकि जो बूट है थोड़ा भारी है। सो ऊपर की तरफ आप लोगों को कोई कवरिंग वगैरह नहीं मिलती, और भाई नीचे आता है इसमें ये देख रहे हो भाई, इतना बड़ा आप लोगों को इसका CNG का टैंक मिल जाता है। कितना है तो ये आप लोगों को 65 लीटर का CNG टैंक मिल जाता है। वाटर कैपेसिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या क्या है, सो नीचे की तरफ आप लोगों को पूरा प्लेन मिलता है, जस्ट टूल किट आ जाती है, और इसी के नीचे अपनी यहाँ पे स्टेपनी आ जाती है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसमें फायदा क्या है ना भाई, सेडान गाड़ी में होंडा ने इस टैंक को भाई एकदम आगे कर रखा है, तो स्पेस में आप लोगों को इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आती, काफी सामान रख सकते हैं आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काफी स्पेस बच जाता है। ये हो गया। और अब मैं एक बार आप लोगों को भरने वाला दिखाता हूँ फ्यूल फिलिंग। तो यहाँ पे ये अपना पेट्रोल का मिल जाता है, और ये रहा अपना CNG का फ्यूल फिलिंग के लिए। बाकी यहाँ पे आप लोग ये बटन देख पा रहे हैं भाई, जब तक ये बंद नहीं होगा ना आपकी गाड़ी ऑन नहीं होगी, सेफ्टी पर्पस के लिए।
सो ये हो जाता है, इतना कुछ आप लोग स्पेस मिल जाता है भाई। सबसे मस्त लगता है आप लोगों को सीएनजी में भी एक फीचर मिल रहा है हम लोग करने का सेडान में। बाकी दो ट्रिम की बात करते हैं एक बार, तो पीछे की तरफ आप लोगों को यहाँ पे इसमें ये क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है ये वाला पार्ट। बाकी इंटीरियर आप लोगों को डोल टोन में मिलता है, ऊपर अपने हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे अपना ये डोर लीवर आ जाता है, लॉक अनलॉक पावर विंडो से कंट्रोल मिल जाते हैं आप लोगों को, नीचे अपना थोड़ा स्टोरेज स्पेस और चार स्पीकर मिल जाते हैं आप लोगों को इसमें। बाकी अंदर स्पेस कितना मिलता है तो वो एक बार मैं आप लोगों को उस साइड से बैठ के दिखाता हूँ। सो जो को ड्राइवर सीट वर्ना एकदम आगे की हुई है, तो ये भाई अभी आप मैक्सिमम स्पेस देख पा रहे हैं भाई, मैं आराम से पैर फैला सकता हूँ 6 फीट का, तब भी कोई काफी स्पेस बच जाता है मेरे पास। दूसरा आप लोगों को इसमें अंडर थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता है, नीचे आप लोगों को बम्प मिलता है लेकिन छोटा सा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, अपने एसी के वेंट्स मिल जाते हैं पीछे तरफ, और ये अपना आ जाता है नीचे की तरफ एक 12 वोल्ट का सॉकेट ये हो जाता है। बाकी जो ड्राइवर सीट है भाई, अगर कोई लंबा ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, तो भाई ये सीट मैंने एकदम पीछे की है, तब भी आपका इतना स्पेस बच जाता है, और इसमें यहाँ से आप लोगों को कम दिख रहा होगा भाई, होंडा ने सीट के पीछे कटिंग कर रखी इस तरह से कि अगर आप लोग पैर वगैरह रखते हैं तो स्पेस काफी मिल जाता है। बाकी पीछे की तरफ आप लोगों को 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बीच में अपना आ जाता है आर्मरेस्ट, और यहाँ पे भी आप लोगों को 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, ये हो गया। और भाई सीट जो है ना भाई काफी सॉफ्ट मिलती है आप लोगों को, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड पीछे से सामने का व्यू कुछ इस तरह का आता है, तो अब चलते एक बार आगे और फिर आगे की बात करते हैं। सो ड्राइवर साइड डोर ट्रिम की बात करें तो ये भी आप लोगों को पूरा सेम ही मिलता है, जैसे यहाँ पे आप लोगों के पावर विंडो से कंट्रोल आते हैं और अपने ORMC कंट्रोल। दूसरा यहाँ पे एक कंट्रोल होता है फोल्ड अनफोल्ड का, वो आप लोगों को नहीं आता इसमें भाई, सेकंड बेस वेरिएंट है, इतना कंपनी दे रही काफी है वो भी। बाकी ड्राइवर साइड सीट की हाइट को आप लोग यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो इसमें, सो ये एक अच्छी बात है। नीचे आप लोगों को दोनों यहाँ पे फ्यूल फिलिंग कैप और बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है, हुड ओपन करने का यहाँ सामने मिलता है, तीनों पेडल्स मिल जाते हैं और भाई एक डेड पैडल मिलता है, सबसे अच्छी बात है, कंपनी कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं की। और इस साइड आप लोगों के हेडलैम्प लेवलिंग का और पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल में कन्वर्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। और भाई सीट का अगर मैं दिखाऊं ना आप लोगों को, तो देख लो भाई कितनी प्रीमियम फील होती है फैब्रिक ही अपना नॉर्मल, और लेकिन यार जो कलर वगैरह है ना, कॉम्बिनेशन जो है वो काफी अच्छा लगता है। ये हो गया, मतलब ऐसा नहीं लगता कि कंपनी ने बस खाना पूर्ति की है, लगता है भाई कंपनी ने कुछ किया है कस्टमर के लिए, सो वो एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो जस्ट एक हैंड ब्रेक मिल जाता है जो कि अपनी पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है, यहाँ पे अपना थोड़ा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, सामने अपने 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पे आता है इसका भाई 5 स्पीड का मैनुअल गियर नॉब। अब ये जो गाड़ी है ना, ये आप लोग ऑटोमेटिक में भी आती है और मैनुअल में भी, ये अभी मैनुअल है, अगर आप लोग ऑटोमेटिक लेंगे तो वो उसी पेट्रोल में आएगी, सीएनजी में भाई ऑटोमेटिक नहीं आती, सीएनजी में आप चाहे किसी भी कंपनी की ले लो, ज्यादातर आप लोगों को मैनुअल में ही मिलती है। ये हो गया, नीचे तरफ अगर आप ये देखोगे तो भाई एक रोज ब्राउन सा भाई, मैं तो यही कहूंगा पूरा ब्राउन नहीं है, अगर आप ब्रॉन्ज, हाँ ब्रॉन्ज कलर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ी फिनिशिंग भाई काफी प्रीमियम लगती है, कैमरा पता नहीं जस्टिस कर पा रहा नहीं लेकिन प्रीमियम काफी लगती है। सामने अपना यहाँ पे थोड़ा स्टोरेज स्पेस आ जाता है, एक अपना यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट, फिर अपना यहाँ पे मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, और यहीं पे आ जाता है यूएसबी पोर्ट। ये हो गया, एसी यूनिट आप लोग कुछ इस तरह की मिलती है, पूरी मैनुअल रहेगी, और ये जो प्लास्टिक है ना यहाँ पे यार, ये काफी चिकना मिलता है, प्रीमियम फिनिश में आता है पूरा। ये हो गया, ऊपर की तरफ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे जस्ट अपना टिकट होल्डर आ जाता है, यहाँ पे भी अपना टिकट होल्डर आता है, बीच अपना माइक आ गया, यहाँ पे लैंप आ गया इस तरह का, और पीछे तरफ भी यहाँ पे बीच में लैंप आ जाता है। बाकी अपना आयर भी आ जाता है, पूरा डे नाइट वाला मैनुअल रहेगा। डैशबोर्ड आप लोग भाई पूरा प्लेन मिलता है, ये देख रहो कोई किसी तरह कुछ नहीं, हार्ड प्लास्टिक है लेकिन अगेन सॉफ्ट फील होता है। एक एयरबैग आप लोगों को यहाँ स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाता है, एक एयरबैग वहां पे मिलता है, और भाई एसी वेंट्स देख लो भाई कितने स्पोर्टिव फिनिश के साथ आते हैं, इनके चार तरफ आप लोगों को थोड़ी सेटिंग से लेके फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे अपना अगेन ब्रॉन्ज की फिनिशिंग मिल जाती है, और नीचे आ जाता है भाई इसका ग्लव बॉक्स, भाई कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है, और ये ना आप लोगों को बेस सेंट से मिलता है, ऐसा नहीं इसी में दे रही कंपनी, तो ये काफी अच्छी बात है। बाकी अपना यहाँ पे एसी वेंट्स बीच में यहाँ पे आते हैं, ड्राइवर साइड वाला इधर आ जाता है, और अब क्या चाहिए भाई सबसे अच्छा, इन्फोटेनमेंट सिस्टम, तो भाई वो भी आप लोग इसमें कंपनी दे रही है। अब इस प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को पूरा टच स्क्रीन वगैरह वाला तो नहीं मिलता, तो लेकिन अपने नॉर्मल फीचर्स आ जाते हैं इसमें, अपना ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, गाने वगैरह आप लोग आराम से सुन सकते हैं, FM रेडियो वगैरह, सो वो सारे फीचर्स जो काम काम के हैं, अपनी कॉल वगैरह रिजेक्ट रिसीव करना, वो सब फीचर्स अपने हो जाते हैं इसमें। बाकी अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें एक बार, तो इसमें आप लोगों को ये देखो टिल्ट का फंक्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। दूसरा स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो नीचे की तरफ अपना सेटिंग सिल्वर की फिनिशिंग मिल जाती है, अपना एयरबैग यहाँ पे होंडे भी यहाँ पे आप लोग सेटिंग सिल्वर में मिलता है, इस साइड अपने MID कंट्रोल्स आते हैं, और यहाँ पे अपने वॉइस वगैरह के कॉल रिजेक्ट रिसीव, क्योंकि अपना इस तरह कुछ इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें आप लोग भी कॉल रिजेक्ट वगैरह तो कर ही सकते हैं अपनी। बाकी अभी करते हुए गाड़ी को ऑन, और फिर मैं एक बार आप लोग इसका MID दिखाता हूँ। तो जब गाड़ी को इग्निशन पे करेंगे ना, तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आएगी, अपनी गाड़ी बनी हुई आ जाएगी, और उसी के बाद अगर आप लोग नीचे देखेंगे
सो यहाँ पे अपना ये सीएनजी का लोगो आ जाएगा, अभी सीएनजी पे है और पेट्रोल का लिखा हुआ आ जाएगा, ये है। बाकी गाड़ी को अगर ऑन करके मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये होगी भाई अपनी गाड़ी पूरी ऑन। नीचे अपनी यहाँ पे सीएनजी बता रहा है, ये अपना आरपीएम मीटर आ जाएगा, ये बाकी अपनी सीएनजी पे, पेट्रोल अपना बंद हो चुका है, अब पेट्रोल पे आइए ये, ठीक है। ये अपने बीच में एमआईडी आ जाएगी, नीचे अपना यहाँ पे पेट्रोल का, और ये अपना स्पीडोमीटर, ये हो गया। बाकी इसमें आप लोगों को टीपीएमएस का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस तरह कुछ आप लोग यहाँ पे ऑडियो सिस्टम मिलता है, अपना टचस्क्रीन वाला नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अपना फोन कनेक्ट करके ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप लोग कॉल वगैरह बात कर सकते हैं आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बेसिकली अपना जो प्रैक्टिकल सारी चीजें होती है ना, सारी आप लोगों को इस गाड़ी में मिल जाती है। बाकी अभी बाहर चल के एक बार बात करते हैं, गाड़ियों की हमने बंद, अब चलते हैं बाहर और फिर बात करते हैं इसकी प्राइस वगैरह की। इंजन की बात करो तो इसमें आप लोगों को एक ही इंजन मिलता है, जो कि है अपना 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, और उसमें पावर कितनी मिलती है तो वो एक बार मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले एक बार इसका हुड खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। सो इस तरह का आप लोगों को जिसका बोनट मिलता है, और ये है अपना 1.2 लीटर कापा पेट्रोल इंजन, 1200 सीसी का आप लोगों को इंजन मिलता है। और अगर इसकी पावर और टॉर्क फिगर की बात करें, तो अगर आप पेट्रोल में ही चलाएंगे तो ये आप लोग 61 किलोवाट की पावर देगा, सीएनजी में आप लोगों को 50 किलोवाट की पावर मिल जाएगी। और टॉर्क की बात करें तो पेट्रोल में आप लोग 113 न्यूटन मीटर और अपना सीएनजी में 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें ये इंजन प्रोवाइड कर देगा आप लोगों को। बाकी एबीएस ईबीडी वगैरह सारा आप लोगों को इसमें मिल जाता है, जो नॉर्मल सेफ्टी फीचर्स है वो सारे आ जाते हैं, अपने दो एयरबैग्स वगैरह आ जाते हैं, ये सब हो गया। इसका अगर कंपटीशन की बात करें ना, तो बेसिकली दो ही गाड़ियां आती है, एक अपनी टाटा की एक अपनी टाटा की टिगोर आ जाती है, वो भी अपनी सीएनजी में, और एक अपनी स्विफ्ट डिजायर आती है। अब इसमें भाई आप लोग इंजन रिफाइनमेंट काफी अच्छी मिलती है, हाँ टाटा इतनी सेफ्टी नहीं मिल पाती, लेकिन उससे कई चीजें आप लोग को अच्छी मिल जाती है, जैसे अपना बूट स्पेस हो गया, इंजन रिफाइनमेंट हो गया, इंटीरियर वगैरह वो सब। प्राइस पॉइंट की बात करें तो अगर ये वाला जो वेरियंट है एस वेरियंट, अगर आप लोग सीएनजी में लेते हैं, तो ये अगर आप लोग दिल्ली में लेंगे तो ये आप लोग तकरीबन पड़ेगा 8,13,000 का ऑन रोड मैं बता रहा हूँ। तो और अगर आप लोग को अपने राज्य अपने शहर का प्राइस जानना है, तो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। अब इस प्राइस पॉइंट पर जो ये हुंडई कंपनी आप लोग को चीजें ऑफर कर रही है वो आप लोग कैसी लगती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाकी अब मैं आप लोग समझ एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।